नमस्कार बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या बोला, ए सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए कार टेकिंग ए टर्न ऑफ रेडियस 10 मीटर एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो एक कार में है और रेडियस दे दिया, टर्निंग रेडियस दे दिया जो क्या है 10 मीटर एंड स्पीड जो दे दिया 36। तो 36 इंटू 5/18 कर लूँगा तो ये ऐसा यूनिट में आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 10 मीटर पर सेकंड। तो आपसे क्या पूछा है, कार के अंदर क्या है, सिंपल पेंडुलम लटका हुआ। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम विथ द वर्टिकल इफ द एंगल डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द टर्न। तो एंगल चेंज नहीं कर रहा ड्यूरिंग द टर्न। यहाँ पर अब आपको ये समझना है कि ये कोई कार है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, एक पेंडुलम को दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अब ये क्या होगा, सिंपली कार जब टर्न ले रहा है, ठीक है ना, मतलब ये रास्ता है, ये एक रास्ता है सर्कुलर, ठीक है। तो कार जब टर्न लेगा तो ये पेंडुलम किधर जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, है ना। तो ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, बोल रहा है ये एंगल फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये एंगल फिक्स तभी हो सकता है जब स्पीड क्या हो, कांस्टेंट, ठीक है। तो स्पीड कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे कार में बैठ के देखें तो क्या दिखेगा मुझे, कार में अगर बैठ जाऊँ तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि कार में बैठने के बाद क्या आप ये जो फ्रेम है, ये जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये कैसा फ्रेम हो गया, तो ये हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्यों, क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन आ गया, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। क्योंकि जो कार का एक्सेलरेशन होगा वही इसमें बैठे हुए ऑब्जेक्ट का भी एक्सेलरेशन होगा जो कि फिक्स्ड है, है ना। यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि पेंडुलम का भी एक्सेलरेशन जो है वो उतना ही हो, क्योंकि ये मूवेबल है, है ना। तो जो भी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कार के साथ अटैच्ड है, तो कार का और उस अटैच्ड ऑब्जेक्ट का जो कि फिक्स्ड है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। तो चलिए, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ए सी है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसका मतलब हम लोग को क्या करना होगा कि ये डायरेक्टली एनएलएम अप्लाई नहीं कर सकता है, इसको क्या करना होगा, सूडो फोर्स अप्लाई करना होगा। सबसे पहले तो बेसिक कंसेप्ट ये आता है कि सूडो फोर्स अप्लाई करना होगा, ठीक है। और सूडो फोर्स का कंसेप्ट हम लोग जानते हैं, फिर भी इसे क्या लगेगा, ये कार के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया कि ये किसी एंगल पे फिक्स्ड है, तो इस आदमी को क्या लगेगा कि ये जो पेंडुलम है किसी फिक्स्ड एंगल पे जाके मतलब खड़ा है, है ना, मतलब ये तो मूव नहीं कर रहा, ठीक है। तो किसी एंगल पे जाके ये क्या है, फिक्स्ड है इसी तरह से। तो इसे अब क्या लगेगा, इसने अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, ठीक है। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, ये एंगल हो गया कितना थीटा, जितने भी फोर्सेस था वो लगाया, एक तो एमजी लगाया, एक टेंशन लगाया और एक आपको पता है सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सूडो फोर्स कैसे लगाना होगा, तो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन जिधर है उसके अपोजिट, तो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड है, इस पर सूडो फोर्स किधर लगेगा, आंसर इज राइट साइड। सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो एम है पेंडुलम का मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, उल्टा करके तो एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। अब ये डायरेक्टली क्या कर सकता है, ये जो ऑब्जर्वर है इसको एनालाइज कर सकता है डायरेक्टली कि हाँ अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। तो आपको क्या बताना है, ये जो थीटा है इस थीटा की वैल्यू बतानी है, फाइंड द एंगल मेट बाय द स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम विद द वर्टिकल, इस थीटा की वैल्यू बतानी। तो सिंपली एक तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके, एक तो लेमिस भी लगा सकते हो आप, है ना, लेमिस थ्योरम भी लगा सकते हो, मैं लेमिस ही यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये एंगल कितना है 90, लेमिस ध्यान रहे कब लगाना है, तो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में ही लगाना है, ठीक है। ये एंगल कितना है, थीटा है और ये 90 है, और उसी तरह से ये एंगल जो है ये वाला, ये कितना आ जाएगा 180 माइनस थीटा,
ये आ जाएगा कितना, 180 माइनस थीटा, तो लेमिस लगा लेता हूँ मैं। तो एक तो आ गया ये टी टी डिवाइडेड बाई, इसके अपोजिट वाला साइन का एंगल लेना है, तो इसका अपोजिट का एंगल कितना है 90, तो यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ साइन 90। आप इसको ब्रेक करके भी कर सकते हैं, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, इसमें भी ब्रेक करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टी साइन 90 हो गया, दैट इज इक्वल टू एम ए, अगर लेते हैं एम ए सी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एंगल कितना आ जाएगा साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एम जी, एम जी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ, ऊपर का एंगल कितना आ जाएगा तो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। आपको थीटा की वैल्यू बतानी है, तो आप कौन सा यूज करना पसंद करोगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो देखो इसमें टी तो पता ही नहीं है ना, तो मैं कोशिश करता हूँ क्या थीटा ये दोनों में तो आ जाएगा, तो मैं कोशिश करता हूँ ये दोनों को लेकर चलने की। तो ये दोनों को अगर लेकर चलूंगा तो क्या आएगा देख लेता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या ये एम ए सी, ए सी को हम लोग क्या लिख रहे हैं, ओमेगा के टर्म में लिखो या वी के टर्म में, तो देख लेता हूँ क्या दिया है। तो वी दिया है, तो वी के टर्म में लिखना ज़्यादा सही है, तो एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है ये वाला मैं लिख रहा हूँ, ये वाला ए सी की जगह पे बी स्क्वायर वाई आर, साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू एम जी अपॉन साइन 90 प्लस थीटा, ये वाला क्या हो जाएगा कॉस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना कॉस थीटा। तो ये गया, ये भी गया, इधर ले गया साइन तो बन गया वो टैन, तो टैन थीटा इक्वल टू क्या गया यार बी स्क्वायर बाई आर जी, और ये बहुत बार मिल रहा है ना। एक तो कब मिला था, एक तो मिला था जब सिर्फ नॉर्मल की रिक्वायरमेंट हो, तब बैंकिंग का एंगल कितना होगा वो निकालने के लिए। एक तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब सिर्फ फ्रिक्शन हो, तब कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, तब भी बी स्क्वायर बाई आर जी। और एक यहाँ पे देखिए आप कि पेंडुलम जो है वो लटका हुआ है, तो वो भी कितना एंगल बनाएगा वी स्क्वायर बाई आर जी ही बनाएगा। चलिए टैन थीटा की वैल्यू निकालना था, टैन थीटा आ गया कितना वी स्क्वायर बाई आर जी, वी की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे 10 और आर की वैल्यू भी 10 है, तो वी स्क्वायर बाई आर जी है तो दोनों की वैल्यू 10 है, तो 10 की स्क्वायर 100 डिवाइड बाई 10 इंटू 10, तो ये कितना हो गया 1, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री के एंगल पे क्या रहेगा एंगल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट मिलेगा हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के साथ।